So this is the diagram, connection diagram for VI characteristic of p-n junction diode, where V is in parallel with the diode and ammeter, voltmeter is in parallel and ammeter is in series with the diode. Okay. Here variable power supply is connected. Why variable power supply is connected? So that x axis पे हम लोग को V लेना है और y पे लेना है current. तो x axis पे V vary कर सके, इसके लिए हम variable power supply ले रहे हैं. इसको हम पूरा, इसको इस वाले को पूरे कंप्लीट को हम रिप्लेस कर सकते हैं सिंपल इस डायग्राम वोल्टेज सोर्स से भी. इसमें हमने वेरिएबल का सिंबल लगा लिया V in, इससे भी हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं. तो V I कैरेक्टरिस्टिक के लिए क्या होगा, ये ग्राफ कैसे आ रहा है, सिंपली हम लोग क्या करेंगे वीआई कैरेक्टरिस्टिक के लिए फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करते हैं. तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ होती है. फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्यों ड्रॉ होती है, बिकॉज जो हमारा इनपुट वोल्टेज है वी इन, वो हमारा क्या है, जिसको हम फॉरवर्ड वोल्टेज बोल रहे हैं यहाँ पे, दैट इज पॉजिटिव. और उसके जो करस्पॉन्डिंग हमें करंट मिल रहा है वो भी हमारा पॉजिटिव करंट है. कैसे पॉजिटिव करंट है, वो इस इक्वेशन से है. ये इक्वेशन हमने जो डायोड की इक्वेशन है, डायोड करंट इक्वेशन जो अर्लियर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में डिटेल में, वहां पे जो ये वोल्टेज है, दिस वोल्टेज इज पॉजिटिव एंड इट इज मच लार्जर देन थर्मल वोल्टेज, जो 26 मिली वोल्ट होता है एट रूम टेम्परेचर. तो इसके कारण क्या होगा, दिस फैक्टर विल बी मच मच ग्रेटर देन वन. तो वी कैन इग्नोर दिस वन फ्रॉम दिस इक्वेशन. तो मेरा पास ये रिप्रेजेंटेशन रहेगा फॉर फॉरवर्ड बायस कंडीशन. This is the case for forward bias condition. The forward bias condition में क्या होगा, we can prove that the current है that is exponentially related with the applied voltage. तो यहाँ पे क्या होगा, but हमें पता है कि जब हमारे पास PN junction diode होता है, in PN junction diode initially हमारे पास एक depletion layer होती है. तो जैसे ही हम यहाँ पे forward apply करेंगे voltage, तो जरूरी नहीं है कि स्मॉल फॉरवर्ड वोल्टेज पे डायोड कंडक्ट कर जाए, क्योंकि डायोड को कंडक्ट करने के लिए क्या कंडीशन चाहिए, दिस डिप्लीशन लेयर मस्ट बी कोलैप्स्ड, खत्म हो जानी चाहिए. तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, इस इनपुट वोल्टेज को इंक्रीज करना होता है. तो जब तक ये कोलैप्स नहीं हो रही है कम्प्लीटली, मतलब जब तक प्रॉपर मेजोरिटी चार्ज कैरियर फ्लो होना शुरू नहीं कर रहा है थ्रू द जंक्शन, तब तक हम इस वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे. और जिस वोल्टेज पे हमारी डिप्लीशन लेयर डिप्लीट हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी, दैट वोल्टेज इज नोन एज कट इन वोल्टेज और इट इज ऑल्सो नोन एज नी वोल्टेज. और उसके बाद क्या होगा, लार्ज करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू द जंक्शन, डायोड के थ्रू लार्ज करंट स्टार्ट हो जाएगा. तो इनिशियली हम कह सकते हैं कि नो करंट विल स्टार्ट बिकॉज ऑफ डिप्लीशन लेयर. जैसे जैसे हम धीरे धीरे वोल्टेज आएंगे, डिप्लीशन लेयर का हमारा जो बैरियर पोटेंशियल था वो क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा. उसके डिक्रीज होने के कारण क्या होगा, हमारे पास चार्ज कैरियर स्टार्ट कर देंगे फ्लो होना. इनिशियली लो लेस नंबर ऑफ चार्ज कैरियर फ्लो हो रहे, तो इसलिए आप ये देख रहे हो कि वेरी लेस अमाउंट ऑफ करंट है यहाँ पे फ्लो हो रहा. और फिर एक वोल्टेज पे आके डिप्लीशन लेयर मेरी कोलैप्स हो जाएगी, खत्म हो जाएगी. तो मेरा एक्सपोनेंशियली रिलेट करेगा करंट एज पर दिस इक्वेशन. तो ये हमारा, जिस वोल्टेज पे मेरी डिप्लीशन लेयर डिप्लीट ऑफ हो जाती है और कोलैप्स हो जाती है, that voltage is known as cut off voltage or knee voltage, या cut in voltage or knee voltage. Next is reverse bias condition or reverse characteristics. In reverse characteristic, diode is reverse bias. Reverse bias means p side of the diode is connected to negative terminal of the battery and n side of the diode is connected to positive terminal of the battery. And here we are applying variable input voltage. So yahan pe kya hoga ki equation, same equation will consider. In this equation, this V, input V is negative because we are considering reverse voltage. So ye hum, aap dekh rahe ho jo axis aa raha hai wo minus x axis aa raha hai, negative axis aa raha hai. तो जो हमारा रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट होता है, दैट इज इन थर्ड क्वाड्रेंट. थर्ड क्वाड्रेंट में क्यों होगा, बिकॉज हियर द वोल्टेज इज नेगेटिव एज वेल एज द जो करंट का डायरेक्शन होगा, दैट विल बी इन अपोजिट टू द फॉरवर्ड करंट. तो यहाँ पे हम इसके फॉरवर्ड करंट के रिस्पेक्ट में ये नेगेटिव करंट होगा, रिवर्स करंट, क्योंकि पहले फॉरवर्ड करंट ऐसे फ्लो हो रहा था, अब रिवर्स करंट इसका
अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा. तो नेगेटिव वोल्टेज होने के कारण जो ये टर्म है, दिस टर्म विल बी मच मच लेस देन वन, क्योंकि एक्सपोनेंशियल ऑफ नेगेटिव आप वैल्यू लेंगे तो ऑब्वियसली मच मच लेस देन वन हो जाएगा. नाउ दिस टाइम वी कैन इग्नोर दिस वैल्यू, तो क्या बचेगा हमारे पास, आई इज इक्वल्स टू माइनस आई नॉट. तो वन इम्पॉर्टेंट यहाँ पे नोटिस करने वाली चीज ये है कि इन द लास्ट केस मींस इन द फॉरवर्ड बायस कंडीशन, जो मेरा करंट आ रहा था फॉरवर्ड करंट, दैट वाज एक्सपोनेंशियली रिलेटेड विद द इनपुट वोल्टेज ई रेस टू द पावर वी ओवर ईटा वी टी था. ये था मींस जो इनपुट जो भी फॉरवर्ड करंट फ्लो हो रहा था थ्रू द डायोड, दैट वाज एक्सपोनेंशियली रिलेटेड विद द इनपुट वोल्टेज. But in this case means, but in reverse bias condition, what is the case is, it is equals to minus I naught. So minus I naught मतलब क्या होगा? Constant. ये जब मैंने आप लोगों को reverse bias condition पढ़ाई थी, तब मैंने आप लोगों को बताया था कि reverse bias के condition में जो current flow होता है, that is constant for particular temperature. At particular temperature, at constant temperature, the minority current will remain constant. ये I naught is this. I naught is the minority current or reverse current due to minority charge carriers, जो current flow होता है वो है. और minority charge carriers की concentration क्या होती है at constant temperature, it is fixed. Minority charge carriers कैसे create होते हैं? Because of temperature. Means हमारे पास अगर P और N type के material है यहाँ पे, तो भी हमारे पास EHP generation होगा. Electrons few हमारे jump करेंगे to the conduction band, तो होल रह जाएगा. तो ये फ्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे एट द रूम टेम्परेचर. तो जब हम रिवर्स बायस कंडीशन करेंगे, तो उस कंडीशन में हमारा मेजोरिटी करंट तो जीरो हो जाएगा, बिकॉज जो होल्स हैं मेजोरिटी यहाँ पे, या इलेक्ट्रॉन्स हैं मेजोरिटी इन दिस केस, वो क्या होंगे, ऐसे आएंगे. मीन्स हमारे पास जंक्शन के थ्रू क्रॉस वो नहीं कर रहे हैं, तो जो डिप्लीशन लेयर की वेट है वो क्या हो जाती है इन केस ऑफ रिवर्स बायस कंडीशन, वाइड हो जाती है. तो यहाँ फॉरवर्ड करंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, क्योंकि हमारा जो चार्ज कैरियर्स है उनको पुश नहीं मिल रहा बैटरी से. बट कंडीशन क्या होती है, अनदर कंडीशन, हमारे पास स्मॉल नंबर ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, स्मॉल नंबर ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं जो बिकॉज ऑफ दिस पोलैरिटी, उसके लिए वो सेम पोलैरिटी, क्योंकि माइनॉरिटी पी में कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन, जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है. होल्स होंगे एन में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर. और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ ईएचपी क्रिएशन, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन ड्यू टू टेम्परेचर. तो ये हमारा यहाँ पे जंक्शन को क्रॉस करना शुरू कर देंगे, तो इसके कारण जो एक स्मॉल अमाउंट का करंट होगा इन द अपोजिट डायरेक्शन, दैट करंट विल बी आई नॉट, एंड दिस आई नॉट विल बी कॉन्स्टेंट. That's why आप यहाँ पे एक चीज देख रहे हो कि यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली कॉन्स्टेंट लाइन ड्रॉ हो रही है. जब हम कॉपी में ड्रॉ करेंगे तो कॉन्स्टेंट लाइन ड्रॉ हो रही है. तो इनिशियली जीरो है, फिर स्मॉल करंट हमारा कॉन्स्टेंट फ्लो हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस माइनॉरिटी. ये करंट हमारा बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, और वी कैन से दैट रिवर्स करंट के कारण है. ये रिवर्स करंट भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये निगेटिव डायरेक्शन में है. और बट अगर मैं इनपुट वोल्टेज को वी आर को इस अपोजिट पोलैरिटी के वोल्टेज को इंक्रीज करते रहे, तो एक पॉइंट पे आके क्या होगा, बॉन्डिंग ब्रेक हो जाएगी हमारी क्रिस्टल में, और एक लार्ज अमाउंट का करंट स्टार्ट हो जाएगा फ्लो होना. दिस कंडीशन इज नोन एज ब्रेक डाउन कंडीशन. जिस वोल्टेज पे ये कंडीशन अकर होती है, दैट वोल्टेज इज नोन एज ब्रेक डाउन वोल्टेज बीवी. जो यहाँ पे ये है, यहाँ पे आप VB नोट डाउन कर लीजिएगा. VB इज द रिवर्स, दैट पोटेंशियल रिवर्स वोल्टेज इन विच ब्रेकडाउन अकर्स. I नोट इज द कॉन्स्टेंट करंट अप टू VB. जैसे ब्रेकडाउन होगा, लार्ज अमाउंट का हमारे पास करंट फ्लो हो जाएगा बिकॉज ऑफ ब्रेक इन कोवलेंट बॉन्डिंग ऑफ एटम्स. This is the complete VI characteristic graph of the PN junction diode. In this, what we have done, we have combined the forward bias characteristic and reverse bias characteristics of the diode.
यहाँ पे क्या है हमारे पास, दिस इज द नी वोल्टेज एट विच करंट स्टार्ट्स कंडक्टिंग, और वी कैन से एट नी वोल्टेज ही हमारा डायोड कंडक्ट करना स्टार्ट करता है. दिस इज बेसिकली नॉर्मल ऑपरेटिंग रीजन ऑफ द डायोड. जनरली वी यूज डायोड इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन, इसलिए हम लोग कह रहे हैं इसको नॉर्मल ऑपरेटिंग रीजन ऑफ द डायोड. तो इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो डेफिनेशंस आ सकती है एग्जामिनेशन में, वो कट इन वोल्टेज की आ सकती है. कट इन वोल्टेज इज द वोल्टेज मिनिमम फॉरवर्ड वोल्टेज. इट इज बेसिकली मिनिमम फॉरवर्ड वोल्टेज एट विच डायोड स्टार्ट्स कंडक्टिंग. सिंपल डेफिनेशन, मिनिमम फॉरवर्ड वोल्टेज एट विच डायोड स्टार्ट्स कंडक्टिंग. इट इज ऑल्सो नोन एज नी वोल्टेज, बिकॉज नी शेप आता है यहाँ पे, इसलिए हम इसको नी वोल्टेज बोलते हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर इज द दिस रिवर्स करंट. रिवर्स सैचुरेशन करंट क्या होता है? इट इज कॉन्स्टेंट करंट. फॉर कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, एंड इट इज ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स. दिस करंट इज ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स व्हेन वी अप्लाई नेगेटिव वोल्टेज. माइनस वी आर जब हम अप्लाई कर रहे हैं रिवर्स बायस वोल्टेज. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज VBR. VBR is the breakdown voltage. Breakdown voltage is the maximum reverse voltage which we can apply. Maximum reverse voltage at which diode may damage. Okay. VI characteristics of ideal diode. अभी हमने जो पढ़ा उसको, that is basically the condition for practical diode. कि practical diode में हमने condition देखा कि exponentially related रहता है current with the input voltage, और after some time conduct करता है diode, because हमारे पास limitation होती है depletion width की. तो after some time मतलब cut in voltage पे जाके conduct करता है. But in case of practical diode ये था condition. In case of आइडियल डायोड, आइडियल करंट डायोड हम मान के चलते हैं कि जैसे ही हमारा फॉरवर्ड बायस है वो कंडक्ट कर गया और लार्ज करंट फ्लो हो गया. और जब रिवर्स बायस कंडीशन में कि स्मॉल अमाउंट का हमारे पास यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा था, रिवर्स सैचुरेशन करंट, आइडियल कंडीशन में आई नॉट शुड बी जीरो. इन आइडियल कंडीशन दिस रिवर्स करंट शुड बी जीरो, जैसे मिनिमम होना चाहिए. मैंने आपको बताया था तभी हम सिलिकन को प्रेफर करते हैं, बिकॉज सिलिकन हैज लेसर अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक करंट इन कंपेरिजन टू जर्मेनियम. आइडियली इट शुड बी जीरो. तो इसलिए जब हम आइडियल कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट ड्रॉ करेंगे हम इसका, तो आप देख रहे हो यहाँ पे इन केस ऑफ आइडियल डायोड वी कंसीडर दैट, ये जो डायोड का सिंबल होता है ना हमारा, हम इसको कंसीडर करते हैं कि अगर ये फॉरवर्ड है बायस, तो इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन ये एक क्लोज स्विच की तरह वर्क कर रहा है. मीन्स स्विच ऑन कंडीशन, क्लोज स्विच की तरह लार्ज करंट फ्लो हो रहा है विदाउट एनी ड्रॉप. और इन रिवर्स बायस कंडीशन हम एज्यूम करते हैं कि इट इज लाइक ओपन स्विच. ओपन स्विच मींस व्हाट? नो करंट विल फ्लो, जीरो करंट होगा उस टाइम पे. इन प्रैक्टिकल कंडीशन स्मॉल करंट फ्लोस थ्रू द डायोड व्हिच इज ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स. बट इन आइडियल कंडीशन व्हाट वी कंसिडर, नो करंट, दिस करंट इज जीरो. वी कंसिडर दैट दिस करंट इज जीरो, रिवर्स करंट इज जीरो. तो ये ऑफ कंडीशन रहता है, मतलब ओपन स्विच की तरह वर्क करता है. दैट्स व्हाई वी ड्रॉ फॉरवर्ड बायस डायोड लाइक दिस. ठीक है, यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि इधर की साइड में आप देखिए जीरो करंट है, और इधर फॉरवर्ड बायस कंडीशन यहाँ पे हमारे पास लार्ज करंट फ्लो.